है, ये क्या हुआ, सुनामी आया क्या? तो एक बार फिर से मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ रियल हीरो की रियल कहानी लेकर के। गुरदासपुर पंजाब, 18 अगस्त रात 1 बज रहे थे। सोते हुए मिसेस सिंह सपने में कुछ देखती हैं और घबरा कर उठ जाती हैं। फिर वो पूरी रात सो नहीं पाती हैं। सुबह उठकर वो गुरुद्वारे जाकर प्रार्थना करती हैं। थोड़ी देर बाद वो और उनके पति जोगिंदर सिंह किसी शादी में सम्मिलित होने के लिए बाहर जा रहे थे, तभी घर की घंटी बजती है। मिसेस सिंह जाकर दरवाजा खोलती हैं तो एक अनजान शख्स उनसे पूछता है, क्या मिस्टर जोगिंदर सिंह का घर है? जवाब मिलता है हाँ। मिसेस सिंह अंदर जाकर अपने पति को बुलाकर लाती हैं। तब तक वो शख्स घर के बाहर जा चुका था और वहां से बोला, मैं बाद में आता हूँ। दोनों पति और पत्नी को ये बात थोड़ी देर अजीब तो लगी, फिर वो अपनी तैयारियों में जुट गए। कुछ देर बाद घर का फोन बजता है और जोगिंदर सिंह फोन पिक करते हैं। सामने से उन्हें कश्मीर बुलाया जाता है, क्योंकि इस आवाज से जोगिंदर सिंह परिचित थे तो बिना किसी सवाल के कश्मीर जाने की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी थोड़ी देर बाद एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है। फोन उठाने के बाद जोगिंदर सिंह कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब उन्हें श्रीनगर नहीं जाना था, क्योंकि इससे पहले के फोन कॉल में हुई बात के बाद जिससे मिलने उन्हें कश्मीर जाना था वो खुद अब घर आ रहा था और साथ में ला रहा था मौत के दुल्हन। इस बार वो शख्स अपने पैरों पर चलकर नहीं बल्कि तिरंगे में लिपटा हुआ आ रहा था सेना के काफिले के साथ। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड ऑनरी कप्तान जोगिंदर सिंह का बेटा था, जिसने महज 26 साल की उम्र में एक ऐसी बहादुरी और दिलेरी दिखाई जो कल्पना से भी परे थी। सेना ज्वाइन करने के मात्र 5 महीने के भीतर इस जाबाज ने कुछ ऐसा किया जिससे बड़े बड़ों की रूह कांप गई। बीते रात दुश्मन को सफाया करते हुए अपनी आखिरी गोली से आखिरी सांस और आखिरी खून की बूंद तक लड़ने वाला टाइगर ऑफ गुरेज के नाम से मशहूर इस महाबली का नाम था लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह। फौज कोई पैसा, कोई नौकरी का जरिया नहीं है, फौज एक जज्बा है, जिम्मेदारी है उन 140 करोड़ लोगों का जो बेखौफ अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, बस इसलिए कि कुछ दिलेर हजारों किलोमीटर दूर से ही उनकी रक्षा में खड़े होते हैं। ऐसे ही दिलेर थे लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह। लेफ्टिनेंट नवदीप अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के ऑफिसर थे। उनके दादा और उनके पिता भी इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके थे। अपने परिवार के आदर्शों पर चलते हुए लेफ्टिनेंट ने होटल मैनेजमेंट की नौकरी छोड़कर इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। उन्होंने ओटी चेन्नई से ट्रेनिंग ली और साल 2009 में उन्हें इंडियन आर्मी के आर्मी ऑर्डिनेंस कोर में कमीशन दे दिया गया। जैसा कि सभी नॉन कॉम्बैट रेजिमेंट के ऑफिसर्स को कम से कम 3 साल के लिए इन्फेंट्री के साथ जुड़कर किसी न किसी वार जोन में काउंटर इंसर्जेंसी एरिया में सर्व करना होता है, लेफ्टिनेंट नवदीप को भी 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ अटैच कर दिया गया और उनकी पहली पोस्टिंग हुई जम्मू एंड कश्मीर। लेफ्टिनेंट नवदीप को घातक प्लाटून का कमांडर बना दिया गया। तारीख 19 अगस्त 2011, कश्मीर का गुरेज सेक्टर। इंडियन आर्मी एक पेट्रोलिंग टीम को किशन गंगा नदी से कुछ हलचल दिखाई देती है। किशन गंगा नदी एलओसी के बेहद नजदीक है और यह जगह घुसपैठ के लिए बदनाम भी है। हलचल महसूस होने पर भारतीय जवान अपने नाइट विजन बायनोकुलर से नदी के किनारे देखने की कोशिश करते हैं। अंधेरा काफी था इसलिए साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर कुछ गौर से देखने पर उन्हें एक वाटर बोट और उनमें कुछ हथियारबंद लोग दिखाई देते हैं। फौरन यह इनपुट 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के ऑपरेशनल हेडक्वार्टर को भेज दिया जाता है। ऑपरेशन रूम में 15 मराठा लाइट इन्फेंट्री के सीओ सभी ऑफिसर्स को मिली जानकारी के अनुसार चीजों को ब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि 11:15 बजे उन्हें बताया गया कि कुछ लोग किशन गंगा नदी क्रॉस करके इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से एक कॉल 11:30 बजे आती है और तीसरी कॉल 12:15 बजे। दूसरी कॉल ही सब कुछ क्लियर कर देती है कि कुल 17 लोग हथियारों से लैस घुसपैठ की तैयारी में लगे हैं। फॉरेन बेस से कुछ एम्बुश टीम को गुरेज सेक्टर निकलने के लिए भेजा जाता है और इनमें से ही एक टीम को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह। अपनी स्क्वाड को इकट्ठा करके लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह सभी घातक कमांडोज के साथ अपने हथियार लोड और चेक करके बेस के लिए निकल जाते हैं। जिस पॉइंट पर पेट्रोलिंग पार्टी ने आतंकियों को देखा था वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर
लेफ्टिनेंट नवदीप अपनी स्क्वाड के साथ एम्ब्यूश लगाते हैं। उनसे आगे दो और टीमें भी थीं। धीरे धीरे आतंकी नदी क्रॉस करके लेफ्टिनेंट नवदीप और दूसरी टीम की ओर बढ़ रहे थे। आगे बढ़ते आतंकियों को देखते हुए नवदीप अपने रेडियो पर मैसेज देते हैं, होल्ड योर पोजिशन, कोई फायर नहीं करेगा। लेफ्टिनेंट आतंकियों को और पास आने देना चाहते थे ताकि वो पूरी तरह से उनका सफाया कर सकें। आतंकी अब लेफ्टिनेंट नवदीप और दूसरी टीम से महज 8 मीटर की दूरी पर थे। लेफ्टिनेंट नवदीप ने अभी फायर का ऑर्डर नहीं दिया था। जैसे ही आतंकी दोनों टीम से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचते हैं, मेजर नवदीप रेडियो पर बस कहते हैं, ऑन। एक साथ 20 AK-47 से ऑटोमेटिक फायर मोड में आतंकियों पर गोलियां बरसने लगती हैं। रात 11 बजे आतंकियों को स्पॉट किया गया था। 11:45 पर एम्बुश टीम को डिप्लॉय कर दिया गया और मात्र 18 मिनट बाद 12:03 पर बुरेज सेक्टर का रात का फैला सन्नाटा गोलियों के कड़कड़ाहट में बदल चुका था। आतंकियों को इतने पास आने देने का यह फैसला सही साबित हुआ और मात्र 2 मिनट के अंदर 8 आतंकवादी जहन्नुम पहुंचा दिए जा चुके थे। फौरन 3 और आतंकियों को मार गिराया गया। इनमें से एक आतंकी के हाथ में गोली लगी थी और किसी तरह से वो एक बड़े पत्थर के पीछे जाकर छिप गया था, जहां से वो सिपाहियों की गोलियों से बच जा रहा था। इसी का फायदा उठाकर उसने एक ग्रेनेड लेफ्टिनेंट नवदीप और उनके बड़ी की ओर फेंका। दोनों ने किसी तरह उस ग्रेनेड से अपनी जान बचाई, मगर ग्रेनेड के धमाके के एक स्प्लिंटर आकर लेफ्टिनेंट नवदीप के साथी को घायल कर चुका था। उसे घायल देख लेफ्टिनेंट नवदीप अपना कवर छोड़ अपने बड़ी को वहां से निकालने के लिए जाते हैं, पर इसी बीच एक गोली आकर लेफ्टिनेंट नवदीप के सिर पर पिछले हिस्से को हिट करती है। नीचे गिरते हुए भी लेफ्टिनेंट नवदीप की उंगलियां उन बंदूक के ट्रिगर को दबाए रखती हैं और वो फायर करते रहते हैं। दरअसल ग्रेनेड के धमाके का फायदा उठाकर छिपा आतंकी अपनी पोजीशन बदल चुका था, जिसका पता लेफ्टिनेंट नवदीप को नहीं था और उस समय जख्मी हो गए थे। रेडियो पर लेफ्टिनेंट नवदीप को गोली लगने की खबर जैसे ही ऑपरेशन बेस पर पहुंचती है, वहां से कुछ टीम लेफ्टिनेंट नवदीप को रेस्क्यू करने के लिए भेजा गया। एक्शन स्पॉट से बेस तक ले जाते समय लेफ्टिनेंट नवदीप को बहुत खून बह चुका था, जिस वजह से बेस पर ही उन्हें शहीद घोषित कर दिया जाता है। इस ऑपरेशन में 12 आतंकी मार दिए गए थे और इंडियन आर्मी के सबसे सफल ऑपरेशन में से ये एक ऑपरेशन था। बेस से निकलने से पहले लेफ्टिनेंट नवदीप के पास AK-47 की 3 मैगजीन थी, जिनमें करीब 90 राउंड गोलियां थी। ऑपरेशन के अंत में उनमें सिर्फ 9 राउंड गोलियां बची थी। जब लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह शहीद हुए, उस वक्त वो मात्र 25 वर्ष के थे। वहां से 500 किलोमीटर दूर गुरदासपुर में लेफ्टिनेंट नवदीप के माता पिता को तो उनके बेटे के देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की खबर तक नहीं थी। जब लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचता है, सबसे पहले सूबेदार जोगेंद्र सिंह ही बाहर आते हैं और बेटे की लाश देखकर वो रोते नहीं, बल्कि साथ आए आर्मी ऑफिसर से पूछते हैं, मेरा बेटा वीरों की तरह लड़ा ना, कितने आतंकी मारे उसने। वह लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह की अंतिम यात्रा थी। सब आंखें नम थी, पर सीने में गर्व और भारतीय सेना के प्रति सम्मान था। लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह स्वतंत्रता दिवस के मात्र 4 दिन बाद वीरगति को प्राप्त हुए। शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह को उनके अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें शांतिकालीन का सर्वोच्च और सबसे बड़ा पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट नवदीप की वीरगति के बाद उनकी माँ का कहना था, उनके जाने का गम तो हमेशा रहेगा, पर मुझे गर्व है कि मैंने ऐसे वीर को जन्म दिया। जिस गर्व के साथ उसने अपनी जिंदगी के 25 साल जिए, उसी गर्व के साथ वो वीरगति को भी प्राप्त हुआ। धन्य है ऐसी माँ और धन्य है लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह जैसे वीर, जिनको अपने फर्ज और देशभक्ति को सबसे ऊपर रखा और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। यह देश और सभी देशवासी ताउम्र लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह के ऋणी रहेंगे और उनके इस अमर बलिदान का सम्मान करेंगे। आशा करता हूँ वीडियोज आपको पसंद आई होंगी, और पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इन वीडियोज को शेयर करो, क्योंकि रियल कहानी है रियल हीरोज की है। और कहते हैं ना कि मुझे भी वो मोटिवेशन चाहिए, मुझे भी वो चाहिए कि समर्पण चाहिए कि मैं आपके लिए रियल हीरोज की कहानी लाता रहूं। मैं चाहता हूं रियल हीरोज की कहानी को डिफेंस के हर एस्पेक्ट तक पहुंचना चाहिए, हर देशवासी तक पहुंचना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में चाहिए आपका भी वो डेडिकेशन, आपका भी वो जज्बा कि आखिर देश के लिए आप क्या करना चाहते हैं। और ऐसे ही जज्बे के साथ आप अपनी मेहनत करेंगे, हार्डवर्क करेंगे और वाकई में इस देश के लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए और हम सब के लिए गर्व की एक बड़ी वजह क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल आपके लिए मैं लाता रहूंगा लगातार ऐसे ही डिफेंस से जुड़े हुए रियल हीरोज की रियल कहानियों को। तो बिल्कुल आप सबका प्यार एंड सपोर्ट जारी रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में भी आइए अगली किस रियल हीरो की कहानी आप सुनना चाहते हैं। आपके आदेश पर फिर से मैं हाजिर हूँ एक रियल हीरो की कहानी लेकर के रियल तरीके से। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद, जय भारत। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की।